अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। I love you.
सैम। हाय बेबी। व्हेन आर यू कमिंग? हम दोनों तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। हम दोनों? और कौन? मैं और फीजी। शीना, मुझे नहीं लगता कि मैं इस बार आ पाऊंगा। प्रॉमिस आई मेक अप फॉर इट बेबी। तो तुम नहीं आ रहे हो? कैन आई एक्सप्लेन इट यू? मैं ये हम दोनों के लिए कर रहा हूँ। सैम, इफ देयर इज नो यू, देयर इज नो अस। बेबी आई लव यू, लिसन टू। सैम, तुझे हांगकांग की डील फाइनल करने के लिए कल ही जाना होगा। सैम, तू सुन रहा है ना? किसी को नाके से बोलते हैं। अबे साले हंस क्यों रहा है? बोलना यार। एक बात बता, जब गर्लफ्रेंड ना बोलती है, सोचती है क्या? सीधा मार देती है। नो, उस ब्रुटैलिटी को याद कर और मार दे। एन ओ, कैपिटल्स में बोलना। समंदर का रंग क्या है? What? और आसमान का? फिलहाल तो मेरे चेहरे का रंग लाल है, गुस्से में। सफेद हो जाएगा जब तुम मुझे देखोगी। तुम फीजी में हो? तो जो को थैंक्स बोलना ही पड़ेगा इस विला के लिए। इट्स ब्यूटीफुल। वेरी नाइस। अच्छा एक बात बताओ, मॉम से क्या बोला? मॉम को बोला कि दोस्तों के साथ हूँ, पर उनको पता है कि तुम भी आ रहे हो। अच्छा, तुम्हें मॉम्स को नहीं जानती, इन्हें सब पता होता है। थैंक्स फॉर नॉट ब्रेकिंग माय हार्ट, बट थैंक्स फॉर ड्रॉनिंग माय फोन देयर। आई लव यू। देख लेते हैं। Hi, how may I help you? I need a phone, yeah. Yeah, sure. I'll just show it to you. Which one? This one? Show me. I don't know. Are you sure? Not sure. Hello, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। आप इंडियन हैं? आप क्या इंडियन और फिजियन मैम? सब मिक्स हो गए हैं। ये दो? 200 साल पहले अंग्रेज लाए थे हमें यहाँ गन्ने के खेत काटने के लिए। अब मोबाइल फोन बेच रहे हैं। फिजी घर है, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। यस सर, दिस वन। शो मी दिस वन।
बेबी सी दिस वन दैट सेकंड हैंड डजंट मैटर इट सॉल्व्स माय पर्पस दिस इज 3G एनेबल्ड यस सर आई टेक दिस श्योर थैंक यू Sheena? Sheena? Baby, are you playing with me? काफी डरावनी लग रही हो मैं हूं ही डरावनी सर क्यों क्या हुआ मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ बोलो और मेरे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि तुम ये जानो अगर तुम मेरे साथ कोई फ्यूचर देख रहे हो तो क्या हुआ मे बी लोग दिखते हैं सैम कभी भी कहीं भी यू मीन डेड पीपल कभी दरवाजे के पीछे कभी क्लोजेट में कभी गैलरी में मुझे बहुत डर लग रहा है सैम मुझे बहुत डर लग रहा है पहले क्यों नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी सैम तुम्हें याद है मैंने एक लाइफस्टाइल क्लास ज्वाइन की थी कोई क्लास ज्वाइन नहीं की थी सैम मैं साइकेट्रिस्ट के पास जाती थी और मैं ठीक भी हो गई थी सैम पर मुझे फिर दिख रहे हैं और वो तुम्हारा भी बुरा चाहते हैं दे वांट टू डू समथिंग टू यू कौन सी ना सर मुझे बहुत डर लग रहा है सर वो मुझे कह रहा है क्या कह रहा है वो मुझे कह रहा है क्या वो सीन वो मुझे कह रहा है कि मैं तुम्हें पानी में फेंक दूँ कैसे बताऊं तुझे के दिल मेरा क्या कह रहा रहे ना फासले ये जो है अपने दरमियां कैसे बताऊं तुझे के दिल मेरा क्या कह रहा रहे ना फासले ये जो है अपने दरमियां तेरे करीब मैं हो सकूं दे दे तू अपनी रजा पास बैठाऊं ये जुल्फ सवारूं और बाहों में ले लूं तुझे के सुन ले गुजारिश और दे दे तू खुद को मुझे तुझसे मोहब्बत हुई है मेरी है बस ये खता तुझसे मैं दूर रहूं ये मुझको गवारा
सुन ले गुजारिश और दे दे तू खुद को मुझे। बात कर रहे हो? किसने? सोचो। अच्छा एक बात बता, उनके डील का क्या हुआ? आई मीन वो तो पूरी हो ही जाएगी, तेरी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही है ना? इसका तो पता नहीं, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट जरूर पूरी नहीं हो रही है। गलती तुम्हारी है शीना, जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया था तुम्हें ना नहीं करना चाहिए था। अबे साले, I can't help it. Your horse is my cane, buddy. है ना? Sam, Sam, चुप चुप, mom. Mom. Hi, mom. Listen, I'll talk to you later. Yeah, we've reached. It is beautiful. Yeah, दोस्तों के साथ हूँ. Sam. So. He's busy as usual. अरे. Wait. Hello, mom. I mean, auntie. Okay, mom. Yeah. मैंने आपसे कितनी बार बोला है कि जब मैं हूँ तो आप इतना चिंता क्यों करती हैं? एक सेकंड आप बात कीजिए इससे। डॉक्टर, हाँ मॉम, हाँ मामा, सब ठीक है। क्या हुआ? मॉम ने क्या कहा? मॉम ने कहा मुआ। मेरे लिए तुमने मुझे डरा दिया। सैम, डरा तो तुम मुझे रहे हो, इस होटल में रहते रहते तुम भूत बनते जा रहे हो। Thank you.
गुड मॉर्निंग टाल सर। मॉर्निंग। Morning, ma'am. I want to just trace a call that I received last night at around 2:30. Is it the same number you're calling from? Yeah. Just hold on. Sure. Hello? Hello? Yeah. Sir, we have no call registered at that time on your number. Are you sure? Yes, sir. All right. Thank you. Thank you. मैंने कहा था ना तुम्हें नई रोजरी की जरूरत है। How much is this for? $20. That's not bad. Let's see. अच्छी लग रही है। Let's take it. There you go. Thank you. Thank you. क्या तुम्हें लगता है कि लोग मरने के बाद वापस आके दूसरों को परेशान कर सकते हैं? ये जो जो जैसे लोग हैं ना, ये मरने के बाद भी लोगों को परेशान कर सकते हैं। शीना, हाँ, तुम क्या करोगे अगर तुमने भूत देख लिया तो? What happened? चिल्लाऊंगी और क्या? You're too funny. There's a wedding happening there. Chalo. James, congratulations. Thank you. Aren't you going to make me meet your wife? Jane? Sam, what happened? Nothing. Come. Congratulations. Thanks. Come, let's go. Thank you.
मुझे एक फोन कॉल आता है। कैसा फोन? सैम, फोन उठाओ। नहीं। हाय शीना, क्या हो रहा है? तुम दोनों को सचमुच लगता है कि तुम लोग डरा लोगे मुझे ऐसे? सैम को कह दो कि अगर उसे मुझे सचमुच डराना है तो बस मुझे इतना कह दे कि वो मुझसे शादी नहीं करेगा। मैं सच में डर जाऊंगी। डर? शादी? What? Didn't work. प्रॉब्लम थी उस होटल में? तुम और तुम्हारे मूड स्विंग्स ना। आई प्रॉमिस यू कि नया होटल जो होगा ना, वहां का व्यू भी अच्छा होगा और खाना भी। और शॉपिंग? शॉपिंग भी मेरी बेबी, शॉपिंग भी। डू यू वांट टू वॉच द गेम? नहीं यार। मैं देखता हूँ। That's weird. कौन हो सकता है? हाँ सर। भूत। पल थे बेहतर अब दिन हो कल के किस तरह से तेरा अब शुक्र अदा हो तेरी नजर करम के सदके सदके गए भूल जो लम्हे बेहतर अब दिन हो कल के आरज़ू है संग लेकर ख्वाब फिर जोड़े था मैं तेरा यार दामन तेरे मेरा रस तो बे संग मेरे रहना यूं ही
नहीं Sure. Do you like it? I mean, this is so not you. Just experimenting. Beautiful place, now, baby. It's gorgeous. सैम, तुमने स्मोक करना कब से शुरू किया? अब से। हाय मामा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। ओह, इट्स ब्यूटीफुल। सैम यही है। थोड़ा बिजी है। पापा कैसे हैं? हेलो आंटी। मैं शीना के साथ शादी करना चाहता हूँ। बाकी बातें आप शीना से कीजिए। मामा, मैं अभी आपको कॉल बैक करती हूँ। बाय। Did you just say that? तुम्हें पता है, ये न्यूज़ में सबसे पहले जो को दूंगी। वो कभी नहीं चाहता था कि हमारी शादी हो। I would love to see that expression on his face. इन लिप्स के साथ उसने किस किया था ना तुम्हें? Someone's wrong with you. You're hurting me. No, you hurt me. You hurt me. You hurt me. Stop, पर हम सीरियस भी नहीं थे। मैं सीरियस था। मैं था। तो शायद आज भी सीरियस नहीं हो। नहीं। इस घर का काम काज छोड़ के आया हूँ यहाँ पे। हाँ। क्यों रहे हो?
happen? Joke, Sam. I'm sorry. I'm sorry कि मैंने तुम्हारे साथ मजाक किया. तुम जीत गए. तुम जीत गए, Sam. बस. पर please भगवान के लिए मेरे साथ ये करना बंद करो, Sam. Sam. Sam, मुझे तुमसे डर लगने लगा है. मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया. Don't touch me. Don't touch me. Sheena, I'm sorry. मुझे कुछ हो रहा है. I can feel it. I'm telling you. I can feel it now. I can feel it. Sam. Sam, listen. Sam, तुम stressed हो. Sam, talk to me. Talk to me, Sam. Tell me what it is. Don't stress to Sam. Is it me, Sam? Talk to me. It's not you. It's not you. It's me. It's me. It's me. It'll be okay, Sam. It's... Let's get rid of this phone. Like a baby last night. I did. Have some juice. You're done? Chale? Yeah. Come.
Excuse me, sir. Yes? You left your phone on the table. That's not my phone. Sir, but it has yours and ma'am's picture. Madam, your towel. Oh, thank you. Is this your phone? I found it in your garbage. Gone here? Housekeeping. This is not possible. What? Oh, nothing. Thanks. Thank you. Where did you get this? मुझे याद नहीं मिला ऐसा क्यों किया I don't know Sam I don't want to lose you मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती Sam ये क्यों हो रहा है हमारे साथ Sam it's all my fault
problem. Sam, let's go from here. Huh? Promise me. Promise me we'll go from here. It's okay. Chale, Sam? हेलो, अब आप कैसी हैं? हेलो डॉक्टर, मैं ठीक हूँ। ये बहुत बड़ी बात है कि जिस तरह आपका एक्सीडेंट हुआ, इंजरीज काफी माइनर है। ओके, थैंक यू डॉक्टर। सो आप क्या मैं जा सकती हूँ? श्योर, मैं आपको डिस्चार्ज कर देता हूँ। थैंक यू सो मच। तुम ठीक हो? आई एम फाइन, सब ठीक है। लेट्स गो। कम। सर, your phone. इसे फेंका, तोड़ा, पर ये फोन पीछा ही नहीं छोड़ता। सैम, हमें पुलिस के पास जाना चाहिए, वो हमारी मदद करेंगे। उन्हें क्या बताएंगे? जब तुमने मुझे बिलीव नहीं किया तो तुम्हें लगता है वो बिलीव करेंगे? Just forget it, Sheena. Forget what, Sam? Sam, we have to find a way through this. मुझे पता है हमें क्या करना है। प्लीज बता सकते हैं कि फोन आपको किसने भेजा था? I'm sorry ma'am, मुझे कोई आईडिया नहीं है। देखिए, it's really important for us to know. I'm sorry ma'am, यहाँ पे बहुत सारे लोग अपना सामान बेचने आते हैं और मैं हर किसी का नाम पता नहीं रख सकता। पुलिस को सिर्फ 10 मिनट लगेंगे नाम पता करने में, मगर मैं ऐसा करना नहीं चाहता क्योंकि एक इंडियन ही इंडियन के काम आता है। और फिर आप ही ने कहा था, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। जेडन नाम है उसका, एड्स बार नंडी।
कहाँ से मिला, प्लीज बता सकते हो? ये मुझे कहाँ से मिला, ये तो तुझे मिला है, इट्स योर्स। वैसे ये कहाँ से मिला? मजा करने आयो? Having fun? Go. मजा करो. Go. Have fun. Let's go from here. Let's go. मैक्स के पास मिला था, जंगल में एक लड़की का मर्डर करके पागलों की तरह भटक रहा था जब उसे यहाँ लेके आए। He's totally lost it. ये सुवा का मेंटल हॉस्पिटल है, उसे यहीं रखा है। मेरा फ्रेंड है अफजल, वो आपको मैक्स के वार्ड तक ले जाएगा। से मिला, प्लीज टेल मी व्हेयर यू फाउंड दिस। Heals all wounds. Does it?
लव? हमेशा डर तुम्हें खोना. लस्ट मस्ट. लाइफ स्ट्रगल. उम्मीद फोटोग्राफ. मुझे इसके बारे में फुल इंफॉर्मेशन चाहिए. तू भी कोशिश कर, मैं भी करता हूँ. ओके ओके सैम, मैं 3 दिन के लिए हांगकांग जा रहा हूँ. जैसे कुछ पता चलता है तुझे फोन करता हूँ. ओके ओके. मैंने ईमेल भेज दिया. बेटी चायमा, उसके बारे में कुछ सवाल पूछने थे. सुनती नहीं थी किसी की बात. ये नहीं तो वो नहीं तो ये. मना किया था मत जा. क्या बुरा था इस जगह में? पढ़ने गई थी, क्लब में काम करने लग गई. पहले तो मैंने कहा चलो अच्छा है, कुछ पैसा तो आ रहा है. फिर पैसा भेजना भी बंद कर दिया. गायब हो गई, भाग गई होगी किसी के साथ. तुम लोग तो अच्छा कमा रहे होंगे. ये हाथ देखो, इन्हीं हाथों से खिलाती थी उसे और इन्हीं को छुड़ा के चली गई. चमा का कोई भाई बहन था? भाई है, शादी की थी 4 साल पहले. बीवी लेके चली गई हांगकांग. माँ को भूल गया. सबकी अपनी जिंदगी है, बस जहां भी रहे ठीक रहे. आप मिस करती हैं उसे? सुनिए, मैंने इतनी मदद की आपके एनजीओ की, आप मेरी मदद नहीं करेंगे? उस क्लब का क्या नाम बताया आपने? वो कुछ 90 में आइस बार. आइस बार, आइस बार. ओके.
चाइना में ये काफी अच्छी फ्रेंड थी। सिंपल थी पर अट्रैक्टिव, फुल ऑफ लाइफ। शी हैड बिग ब्यूटीफुल आईज, यू नो, वी यूज्ड टू गो आउट पार्टी, शॉपिंग, मूवीज। हम लोग काफी क्लोज आ गए थे। पुट सम स्पाइस ऑन इट ना, सॉरी। लेकिन उस बिच ने आके सब खराब कर दिया। किसने? आइस बार की हॉस्टेस डायना। बड़े कनेक्शन मनेक्शन थे उसके, और ऑब्वियसली वो अपने कनेक्शन में चायमा को घुमाने लगी। मैंने उसे बहुत मना किया, लेकिन चायमा ने उसके लिए मुझसे लड़ाई की। शी फॉट विद मी। उसका कोई फ्रेंड अमीना? एक लड़की के साथ वो फ्रेंडली थी, अच्छा था, पर मेरे टाइप का नहीं था। उसका उसका नाम क्या था? एक छोटी सी बर्थडे पार्टी में मिला था, क्वाइट टाइप था, नाम मुझे याद नहीं। उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है? आई मीन एनीथिंग एट ऑल? शायद उसका फोटो होगा मेरे पास, जस्ट होल्ड ऑन। पुट सम सॉस ऑन इट ना, हियर इट इज। डायना का कोई कॉन्टैक्ट? जस्ट होल्ड ऑन। थैंक यू। मेंशन ना। चलो। थैंक यू सो मच। नो डार्लिंग, दैट इज बिजनेस। चायमा वाज अ फ्रेंड। ठीक है, बाय बाय हनी। चाहिए ये वाली? तुम्हें क्या लगता है, एक शैतान खून प्यास बुझाने के लिए पीता है या नशे के लिए? कभी मिली नहीं किसी शैतान से। मिलूंगी तो पूछूंगी। वैसे तुम खून पीना चाहते हो कहां से? Thank you.
यूज़लेस, दैट्स द रॉन्ग वन. एंड इन ब्रेकिंग न्यूज, द बॉडी ऑफ अ 30-year-old वुमन वॉज फाउंड अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस. द पुलिस हैव आइडेंटिफाइड द बॉडी टू बी दैट ऑफ डायना रोड्रिगेस. सो फार द पुलिस हैव फाउंड नो एविडेंस. It is believed that Diana was a hostess at Club Ice Bar. More on this later. Moving on to sports, we have. कल रात के बारे में तुम्हें कुछ याद नहीं है? क्या तुम्हें लगता है मैंने उसे? I'm damn scared. I don't hurt you. मुझे लगता है कि हमें अलग-अलग कमरों में रहना चाहिए. मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से तुम्हें कुछ हो. मैं नहीं चाहती कि मेरी एब्सेंस में तुम्हें कुछ हो. नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है. ट्रस्ट मी, मुझे तुमसे कोई डर नहीं है सैम. डायना का लीड भी चला गया. वन सेकंड, आई थिंक मेरे पास ब्रांडी का दिया हुआ एक पिक्चर है. इट्स राइट हियर, लुक. टैटू के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए. क्यों? हम एक एनजीओ से हैं जो खोए हुए लोगों को ढूंढने में मदद करती है. मत कीजिए मदद. जिसके हाथ पे ये टैटू है ना, उसे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं. देखिए प्लीज, इट्स रियली इंपॉर्टेंट. गॉथिक टैटू, अ स्पेशल वन. फिजी में एक जमाने में कई कल्ट हुआ करते थे जो विचक्राफ्ट प्रैक्टिस किया करते थे. ये स्पिरिट्स सुपरनेचुरल बींग्स में विश्वास रखते थे, यानी कि भूत, आत्मा, प्रेत. और विश्वास ही नहीं, उनसे बात, हर मुलाकात भी करते थे. आज मगर बहुत कम लोग ऐसे बचे हुए हैं. इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन कैसे मिल सकती है? इसके बारे में आपको एक ही आदमी बता सकता है, फादर पैटरसन. फादर पैटरसन? सेक्रेट हार्ट चर्च, सुवा. हाँ, मगर ये टैटू तो यहीं कहीं किसी पार्लर में ही बना होगा ना? जरूरी नहीं है. इस कल्ट को जो फॉलो करते हैं वो खुद भी टैटू ड्रॉ कर सकते हैं. सैम, my chains are gone.
अच्छा है कि आप लोग दूसरों की मदद कर रहे हैं। दूसरों की मदद करने से आदमी को क्षमा जल्दी मिल जाती है। फादर, इस टैटू का क्या मतलब है? ये ग्रीक लैंग्वेज से ओरिजिनेट हुआ है। ओरो यानी टेल, बोरोस यानी ईटिंग, ओरोबोरोस। ये एक पावरफुल ग्रीक सिंबल है, एंशिएंट, जिसका मतलब है कि सांप अपनी पूंछ खा रहा है। दस ही हु ईट्स हिज ओन टेल, ओरोबोरोस। लाइफ का सर्कल, जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म, इसके हिसाब से आदमी अमर है। Thank you, Father. Thank you, Sam. Father. Yes. Will you be forgiven? एक बुरी खबर है। कल रात को फादर पैटरसन की जलकर मौत हो गई। ये नंबर 8 का क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है? औरो पौरो, सांप अपनी पूछ कर है। I-E 8 yani 8 yani
जो का फोन अभी भी नहीं लग रहा है, उसके पास हर प्रॉब्लम के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। मुझे लगा ये आई ई है, दरअसल ये एम एच है, इट्स इन्फिनिटी। इन्फिनिटी ग्रुप एम्बर्स मॉन्ग हेवर्ड एम एच। उसका नाम मॉन्ग था, मॉन्ग हेवर्ड। इनफैक्ट ये उसका फेवरेट बेंच भी था। मॉन्ग इन्फिनिटी ग्रुप का एक मेंबर था, एक ब्रिलियंट या जीनियस माइंड्स का ग्रुप है। ये सब वो लोग हैं जो अपने खोज और आविष्कारों से जिंदगी जीने का तरीका बदल सकते थे। मॉन्ग वॉज वर्किंग ऑन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हार्नेसिंग कॉस्मिक रेज टू लिंक अप विद द गॉड आर्टिकल। मेरा मतलब है ये सब, व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? सोचो, अगर हम गांधी या फिर आइंस्टाइन के साथ कनेक्ट कर पाते, या फिर उन लोगों के साथ जिसे हम बहुत प्यार करते हैं मगर इस दुनिया में नहीं है, वो हमारी कितनी मुश्किलें आसान कर देते। लेकिन ये सब तो मर चुके हैं। मौत का क्या मतलब है? सिर्फ शरीर का खत्म हो जाना, पर आत्मा? आत्मा तो एनर्जी है जो कभी नहीं मर सकती। इनफैक्ट गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि आत्मा तो अजर अमर है, और मॉन्ग उस एनर्जी से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। इनफैक्ट वो एक बहुत ही मेजर ब्रेक थ्रू करने वाला था। प्रोफेसर, ये मॉन्ग कहाँ मिलेगा? मॉन्ग एक ऐसी एप्लीकेशन पर काम कर रहा था जिससे कि वो आत्माओं के साथ मोबाइल फोन्स के जरिए कनेक्ट कर सके। उसका मानना था कि इन स्पेशल कनेक्शंस के थ्रू वो लोगों की एक नई दुनिया से पहचान करा सकता था, और शायद वो इस एक्सपेरिमेंट में सक्सेसफुल भी हो गया था। बहुत शांत किस्म का लड़का था, और वो अपने ही दुनिया में रहता था। उसका कभी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं था। वो बहुत इंटेलिजेंट था और उतना ही सेंसिटिव था। वो जो करता था दिल लगा के करता था, और हमेशा खुश रहता था। उसकी शायद कोई गर्लफ्रेंड थी। हाय मॉम, माय गर्लफ्रेंड। हाय। चायमा से? चायमा कौन? चायमा उसकी गर्लफ्रेंड का नाम था ना? उसका नाम तो जैस्मिन था। जैस्मिन? नहीं नहीं आंटी, आई एम श्योर। एक मिनट, यही थी ना? हाँ यही थी। आई यू श्योर आंटी, यही थी? हाँ यही यही है। जैस्मिन,
उसे बहुत प्यार करता था, बस एक बात से वो खुश नहीं था, क्योंकि उसके डैड को वो पसंद नहीं थी। इसी बात का मुझे डर था। डर क्यों? क्योंकि उसके डैड मर चुके हैं। सुबह जब मैं जागी तो देखा वो पेड़ से मुझे कुछ समझ में नहीं आया, उसने ऐसा क्यों किया? तुमने कुछ गलत तो नहीं किया ना उसके साथ? हाँ, करना भी नहीं, वो कभी किसी को माफ नहीं करता। कहाँ जा रहे हैं? सरप्राइज। सरप्राइज?
जानते थे? हाँ, जानता था। इसी दिन का इंतजार तो मैं बड़ी बेसब्री से कर रहा था। और वो दिन आज आ चुका है। मैं तुम्हें जिंदगी भर के लिए अपना बनाना चाहता हूं। यू आर द लव ऑफ माई लाइफ। ओह माय गॉड, आर यू सीरियस? डेड सीरियस। इट्स सो ब्यूटिफुल। तो मुझे ऑलरेडी प्रपोज कर चुके हो सैम, व्हाइल यू वर ट्राइंग टू किल मी। तुम भी मेरी जान निकाल चुकी हो बेबी। और कितने सरप्राइजेस हैं सैम। एक और, बस एक और सरप्राइज है तुम्हारे लिए। ये सब मेरे लिए? You're the most amazing man. You know I love you. And I love you. एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई नहीं था, तुम सब कुछ थे मेरे लिए। तुमने ये किया मेरे साथ। I loved you, damn it. So goddamn much. तुम इतनी बदसूरत कैसे हो गई जासमिना? मुझे तो लगता था कि तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। तुमने ये कैसे किया मेरे साथ? क्या था मैं तुम्हारे लिए? हाँ, क्या मैं कस्टमर था तुम्हारे लिए? Was I a customer for you? Don't touch me, please. Don't. Mom, long listen to me. ये कुछ नहीं है. Mom, I love you. I don't trust you. Please trust me, Mom. तुम्हें आइडिया नहीं है कि मैं कहाँ से भाग के आई हूँ. Please. Shut up. Mom, please listen to me. मुझे लगता था जितना मैं तुम्हें जानता हूँ, उतना तुम्हें कोई और जान ही नहीं सकता। नहीं. मैं तो तुम्हारा नाम तक नहीं जानता। Jasmine. क्या नाम है तुम्हारा? Jasmine. क्या नाम है तुम्हारा? Jaima, Jasmine, or just plain fucking bitch? Do you need money, na? You know I still love you. Come on, you know I still love you. I'll give you money. Shh, don't cry. What do you want? Kuch nahi chahiye. What do you want? I'll call all my friends, huh?
They will all queue and pay you and guess what? मैं बनाऊंगा तुम्हारा वीडियो. You'd like that, हाँ? तुम्हें अच्छा लगेगा ना? मजा आएगा ना तुम्हें? यही चाहती हो ना तुम? You wanna touch me? Is that what you want? सैम, तूने जिस लड़की का फोटो भेजा था उसका रजिस्टर्ड आईडी जैस्मिन है हमारे 3G.com पे और हमारे 5000 पॉर्न गर्ल्स की डेटाबेस में सबसे ज्यादा डाउनलोड इसी की है. प्यार करता था मैं उससे, लेकिन जानता नहीं था कि वो एक दोहरी जिंदगी जी रही है, जैस्मिन और जैमा बनकर. अच्छा लिसन, आज से तुम्हारा नाम जैमा नहीं, जैस्मिन है, ओके? JaiMa3G.com की एक और पॉर्न स्टार. आ, आ, आ.
जेम्स पागल तो नहीं हो गया क्या? Send me the clip right now. मेरे मोबाइल पे भेज और उस एक फोन कॉल ने सब बदल दिया. You're the most amazing man. एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए. चायमा को मार के भी मरने नहीं दिया ताकि उसकी आत्मा भटकती रहे. तुम्हें उसका वो घिनौना चेहरा दिखाया जो मैंने देखा. उसे उसी के दिए गए फोन से जिंदा रखा. बदला मेरी मौत के बाद शुरू हुआ. You'll be forgiven. शुरुआत तुमने की और अब इस कनेक्शन को कोई नहीं तोड़ सकता क्योंकि मैं किसी को माफ नहीं करता.